दोस्तों ये है यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह फ्रूट वगैरह के प्राइसेस। बंद गोभी है रेंज में 100 डोंग के जी, 9900 डोंग के जी है बंद गोभी। ठीक है, तो दोस्तों ये है बियर के प्राइस यहाँ पे। यहाँ पे सेब है 39,000 किलो, मतलब अपने 100 रुपये किलो लगा लो आप, 110 रुपये किलो। और जो बेबी ऑरेंज है, वैरायटी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, और ये इनके पास जो सॉसेज वगैरह होते हैं वो हैं, क्योंकि यहाँ पे चिकन वगैरह बड़ा खाया जाता है। ये देखिए, ये है यहाँ पे कुकिंग ऑयल, ये तो पता नहीं किस चीज़ का है बट कुकिंग ऑयल है, और इसका प्राइस है 47,000 डोंग, 45,000 डोंग, 68,000 डोंग। तो कई तरह के तेल हैं जिनके अलग अलग प्राइस हैं, 1,37,000, 52,000, ये सारे यहाँ पे ऑयल हैं, अलग अलग कैटेगरी के ऑयल हैं, सोयाबीन का है, जैतून का भी है। तो ये सारे ऑयल्स हैं, इनके जो प्राइस अलग अलग प्राइस हैं। ये ऑलिव ऑयल है, इसका प्राइस है 76,000, आई थिंक ये 250 ग्राम होगा। मेयोनी है यहाँ पे, ये डिफरेंट सॉसेज हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे ये सॉसेज वगैरह बहुत यूज होते हैं, चाइना वगैरह में, वियतनाम में। तो ये देखिए सारे सॉसेज हैं, सॉस वगैरह कई तरह के हैं। ये है यहाँ पे नमक, 56,000 रुपये का नमक है। तो नमक भी यहाँ काफ़ी कॉस्टली है, देखिए। ये अजानो मोटो लग रहा है जो यूज़ करते हैं लोग, काफ़ी अलग फ्रूट की वैरायटी है यहाँ पे, काफ़ी अलग अलग तरह के फ्रूट्स यहाँ पे अवेलेबल है जो हमारे इंडिया में नहीं लोग खाते मोस्टली, क्योंकि इनका फूड कल्चर बिल्कुल अलग है, चाइना से डोमिनेट है इनका फूड कल्चर। महंगाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये है राइस यहाँ पे, 83,000 डोंग के 5 किलो राइस है, 250 के 5 किलो लगा लो आप, 1,09,000 के 5 किलो राइस, और 80,000 के 2 किलो राइस। तो अलग अलग वैरायटी हैं, तो अलग अलग इनका प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे लोग राइस बहुत खाते हैं और राइस यहाँ पे होते हैं, तो कई तरह की राइस की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों ये यहाँ पे ब्रेड है जो हम लेके जा रहे हैं, ये ब्रेड है 26,000 रुपये के, मतलब 100 रुपये का ब्रेड है ये।
ये 16,000 के और ये 15,000 के, ये 28,000 के और ये 16,000 के हैं। इसकी क्वांटिटी कितनी है? दो सौ बीस ग्राम। और जो 15,000 के हैं इसकी क्वांटिटी कितनी है? 200 ग्राम। तो काफ़ी महंगाई है यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ये लोकल दारू है इनकी 69,000 रुपये की। ये है इनका लोकल दारू का रेट्स, ये सारी लोकल। और नीचे वोडका पड़ी है 63,000, मतलब हमारे 250 रुपये की। तो दारू के रेट यहाँ पे ठीक हैं। और ये आपको स्टोर वगैरह में मिल जाती है दारू। देखिए ये भी कोई दारू है इनकी, ये फ्रूट की है, फ्रूट की बनी हुई है ये। दोस्तों इनकी रेड वाइन है 212,000 की, ये 153,000 की, ये वाइट वाइन 110,000 की। और इनकी लोकल राइस की दारू है 85,000 की, विस्की 225,000 की, और ग्लेन सैम्बलन विस्की 1,43,000 की। तो दोस्तों ये थी वियतनाम की ग्रोसरी मार्केट। मैंने आपको ग्रोसरी का रेट बताया क्या है, तो लगभग हमारे इंडिया जितना ही है उससे ज़्यादा ही है। तो इतना चीप नहीं है ये कंट्री, मतलब एट पर इंडिया मान के चलो कि जितना इंडिया में खर्चा है उतना यहाँ पे है। अभी दोस्तों हम इस दुकान के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे फ़ोन वगैरह बड़े सस्ते हैं। अभी मैं अंदर जाऊँगा और आपको क्या क्या प्राइस है फ़ोन के वो आपको बताऊँगा, क्योंकि वियतनाम में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है बहुत सस्ता है और टूरिस्ट को टैक्स रिफंड भी मिलता है एयरपोर्ट पर, तो बहुत बढ़िया रेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी मैं अंदर जाके बताता हूँ कि रेट्स वगैरह क्या है यहाँ पर। दोस्तों ये देखिए, ये है आईफोन 14 प्रो और इसका प्राइस है, ये देख लीजिए। इसको कन्वर्ट करके मैं स्क्रीन पे दिखाता रहूँगा। और ये देखिए आईफोन 40 प्रो मैक्स हमें जो ये प्राइस है, इस पर भी डिस्काउंट देने के बाद लगभग 98,000 का पड़ेगा यहाँ मुझे बताया गया है, और उस पर भी हमें 10% टैक्स रिफंड मिल जाएगा। तो ये आप प्राइजेस देख लीजिए यहाँ पर क्या है। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत सारी आईफोन, आईपॉड, लैपटॉप वगैरह मिल जाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ आपको गैलेक्सी फ़ोन वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए प्राइजेज इनके साथ साथ दिखा रहा हूँ। सारे फ़ोन यहाँ पे आपको सस्ते मिलेंगे। ये सारा प्राइस डोंग में लिखा हुआ है, जिसको मैं कन्वर्ट करके स्क्रीन पे बता दूंगा, या फिर आप इसको मोटा मोटा 290 रुपये से डिवाइड कर लीजिए, तो इतने के ये आपको फ़ोन पड़ रहे हैं। ये देखिए यह रिनो 8, ये सारे फोन यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। आप वियतनाम शॉपिंग करने आ सकते हो। लगभग देखो आईफोन का, अगर आप इंडिया में आईफोन लेते हो और यहाँ आईफोन लेते हो, लगभग 30-40,000 रुपये का फर्क है। तो इतने में आपका ट्रिप ही हो जाएगा। एक आईफोन अगर इंडिया से ले रहे हो, उससे शायद आप यहाँ आए घूमने
और यहाँ से आईफोन वगैरह जो भी लैपटॉप आपको लेना है यहाँ से प्लान कर लीजिए। ये सारे फोन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बड़ी ब्राइटी है इनके पास, ये देखिए, ये Xiaomi 12T 108 MP फोन है, ये Xiaomi की सीरीज है। तो ऐसा नहीं कि इनके पास सिर्फ कम ब्राइटी है, ब्राइटी बहुत ज़्यादा है इनके पास। तो आप ये सारी वैरायटी आप देख सकते हैं, पूरी शॉप है, ये देखिए।